नमस्कार, विराट 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एक बार फिर हम हाजिर हैं जनता द्वारा भूखास पुरुष की उपाधि पाने वाले विधायक के विकास की हकीकत दिखाने के लिए। चुरहटे से रतारा तक बनी मॉडल सड़क और शहर में बिछाए जा रहे फ्लाईओवर के जाल को विकास बताने वाले विनाश पुरुषों की हकीकत को लेकर जनता से राय ली तो जनता ने क्या कहा है, हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी और बाकायदा सुनाएंगे भी। इस खोखले विनाश को विकास बताने वाले सफेदीदार नेता हर बार कुछ नया और कमाऊ प्लान कैसे तैयार करते हैं, इसकी बखिया आज बराबर उधेड़ी जाएगी। आपको बता दें कि रीवा जिले में सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने का वादा चुने गए जनप्रतिनिधि सिर्फ सड़क पर ही विकास की गंगा बहा रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी करते हुए नहीं नजर आ रहे। या ये कहें कि ठेकेदार अपना कारोबार बढ़ाने के लिए लगातार नए काम उत्पन्न कर जनता की गाढ़ी कमाई विगत 20 वर्षों से हजम कर रहे हैं, हमें विकास का झुंझुना थमा रहे हैं। चुरहटा से रतारा तक की 14 किलोमीटर की सड़क दुधारू गाय साबित हुई है, जिसका लगातार 20 सालों से दोहन हो रहा है। साल 2023 और 24 में आने वाले चुनावों को देखते हुए इस दुधारू गाय को ज्यादा दोहने की जरूरत और पैसे कमाने की भूख लगातार इन भूखास पुरुषों को महसूस होती आ रही है और लगातार इसके लिए नित नए प्लान बनाए जा रहे हैं। इस दुधारू कामधेनु रूपी गाय को पालने, पोसने और भ्रष्ट अधिकारियों से ज्यादा पोषक तत्व देने की आवश्यकता महसूस की है तो किसी और ने नहीं बल्कि आप सभी के चहेते ने, जिन्होंने 2.5 किलोमीटर के फ्लाईओवर का प्रस्ताव भेजा जो आनन फानन में स्वीकृत हो गया। आगे चुनाव है और चुनाव पैसों के दम पर होता है, ये नेता भी जानते हैं और जनता भी जानती है। पैसा कहां से आएगा, नेताजी की तिजोरी कहां से भरी जाएगी, ये सब भली भांति जान चुके हैं। जी हां, ये पैसा, ये तिजोरी, ये सब खेल इसी फ्लाईओवर के जरिए होने वाला है। आपको बता दें कि मॉडल सड़क जो कि निर्मित की गई है, लगातार 20 सालों से उसका दोहन हो रहा है और अब उसी मॉडल सड़क के ऊपर, यानी एक बार मॉडल सड़क को फिर से खोदा जाएगा और उसके ऊपर 175 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हुए वहां पर फ्लाईओवर निर्माण करने का नया नाटक खेला जाएगा। जनता के पैसे से चुनाव लड़ना है, इसके लिए कर्ज के बोझ तले डूबी शिवराज सरकार ने तरीका निकाला और 2000 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे प्रदेश में 11 फ्लाईओवर कार्यों की अनुमति मिल चुकी है। इसी 2000 करोड़ रुपए में से 175 करोड़ की लागत से रीवा शहर में वाराणसी नागपुर मार्ग पर कॉलेज चौराहे से लेकर विष्णु अंपायर होटल तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, जिसकी लंबाई करीब 2550 मीटर के लगभग है। चुरहटा से रतारा तक सड़क, जिसे मॉडल सड़क का नाम दिया गया है, अभी बनकर पूरी भी नहीं हुई है। इससे पहले ही प्रक्रिया खोदो और बनाओ, खोदो और बनाओ के तहत 14 किलोमीटर लंबी सड़क पर लगभग 200 करोड़ रुपए और खर्च होंगे, यानी करके 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 100 करोड़ तो पहले ही खर्च हो चुके हैं, अभी इस सड़क का निर्माण कार्य ढंग से पूरा नहीं हो पाया है। रीवा की जनता को निजात नहीं मिल पाई थी, लेकिन 175 करोड़ रुपए की लागत से एक बार फिर फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए स्वीकृत प्रदान कर दी गई है। ये स्वीकृति मिली है केंद्र सरकार की ओर से, जिसे पुनः खोदा जाएगा। इस सड़क से गुजरने वाले शहरवासी, व्यापारी एक बार फिर से नई आफत का सामना करेंगे और इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि इस फ्लाईओवर का शहर से कोई अवचेत्व नहीं है, क्योंकि लगातार जनता को परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि फ्लाईओवर से पहले रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा की आवश्यकता है। शहर को ओवरब्रिज के जाल से समेट देने के लिए नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक लगातार लगे हुए हैं कि सड़कों का जाल बुनो, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब जनता के पास से कोसों दूर हो जाए। सड़क को खोदकर एक बार फिर विकास कार्य प्रगति पर दिखाकर जनता की वोट पर सेंध लगाने का जो औचित्य, वो जनता को समझ में आ रहा है और जनता इसका समय रहते जवाब भी देगी। चौंकाने वाली बात यह है कि 4 लाइन सड़क पर बनी इन दोनों पुल के ऊपर से प्रशासन किस तरह से पुल, फ्लाईओवर बनाएगा, क्या पुलों को तोड़ा जाएगा, नदियों का पिलर बनाकर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा, क्या इस तरह से संपर्क कराया भी जाता है, तो शहरवासियों को मानना है कि सिर्फ पैसे की बंदरबांट और ठेकेदार जनप्रतिनिधियों को अपना कारोबार बढ़ाने का फ्लाईओवर एक माध्यम है, जिसके चलते रीवा शहर को तालाब बनाया जा रहा है। चारों तरफ से रिंग रोड और बीहर नदी को बांधना शहरवासियों की जान साथ केवल और केवल खिलवाड़ है। जानकारों का कहना है शहर में फ्लाईओवर की अगर आवश्यकता है तो जैस्तम से खन्ना चौराहा, प्रकाश चौराहा से अस्पताल चौराहा, धोबिया टंकी तक है।
या फिर सिरमौर चौराहे से अमहिया रोड अस्पताल चौराहे तक है, जहां विंध्य की जीवनदायिनी गांधी मेमोरियल, संजय गांधी जिला चिकित्सालय और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। जबकि अपने चमचों के घोषित विकास पुरुष और लोगों के द्वारा विकास पुरुष की उपाधि प्राप्त रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल इसे एक और बड़ी उपलब्धि बताते हुए जनता का श्रेय ले रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि सिरमौर चौराहे से बोदा रोड, सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय रोड के लिए पहले से ही फ्लाईओवर की स्वीकृति मिल चुकी है। समाज सेवी और शहर की जनता तो अब यह कहने लगे हैं कि यह नाटक सिर्फ चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए है, महंगाई, बेरोजगारी, पानी, गंदी बस्ती जैसे मुद्दों को छिपाने के लिए। अपना काम, अपनी ठेकेदारी चमकाते हुए इस फ्लाईओवर को बना करके शहर को विकसित दिखाने की कोशिश कर रही है। किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी ने तो यहां तक कह दिया कि मॉडल सड़क के बाद इसी मार्ग पर यह चौथा फ्लाईओवर बनाने के बाद आप विधायक बेला से रतहरा तक रोपवे या मेट्रो चलवा दें तो ज्यादा लाभ होगा और ठेकेदारी ही सफल रहेगी। आइए पहले आपको सुनाते हैं फ्लाईओवर के निर्माण के लाभ और दुष्परिणाम के साथ साथ नेताओं पर किस तरह से किसान सुब्रत मणि ने आक्रोश व्यक्त किया है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता सुब्रत मणि जी हैं। किस तरह से दिक्कतें हो रही है, किस तरह से आप लोग आवाज उठाए और पहुंचाए किसी पर? आप देख रहे हैं लगातार ये रोड बनी, जैसा कि आप भाई ने कहा, टोल वसूले जाने लगे। रीवा बाईपास यहीं से जुड़ती है चुरहटा से और रतहरा तक, जो रीवा बाईपास है। आप सोच सकते हैं टोल वसूले जा रहे हैं, सिंगल एक तो बाईपास बना गया, अब वो फोर वे लेन बनेगी, वो माने जिंदगी भर दुधारू गाय बनी रहे हमारे यहाँ के विकास करने वालों के लिए, वो टोल का माध्यम बनी रहे और खूब पैसे आते रहें, लेकिन लोग मरते रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विकास बताते हैं ना कि विकास हुआ, विकास की गंगा बह गई, जान के साथ खिलवाड़ हो, किसी की मौत हो जाती है, श्रद्धांजलि देने आते हैं, तो राहत मिल तो जाती है लोगों को। लोगों को राहत क्या मिलती है, आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग संस्कारों में, हमारे यहाँ के किसान, हमारे यहाँ के देश का किसान हमेशा संस्कारों में पला है, वो कीचड़ में चला जाता है लेकिन किसी की अवमानना नहीं करता, अपमान नहीं करता, उसका फायदा हमारे जनप्रतिनिधि उठाते हैं, लगातार उपेक्षा करते हैं, हमारे किसान यहाँ के चुप रहते हैं, जनप्रतिनिधि बोलते भी नहीं हैं, इतनी ज़्यादा आपदा सह रहे हैं उसके बाद भी वो कुछ कहते नहीं, तो उसका मतलब ये नहीं कि विकास हो रहा। अभी हाल में आया है कि 150 करोड़ रुपये की, अब सोच सकते हैं 150 करोड़ रुपए की यहाँ से अपने यहाँ रीवा पड़रा से लेके और काले चौराहा माने नए बस स्टैंड के आगे तक फ्लाईओवर बनेगा। आप सोच सकते हैं छोटी पुल का थी, पहले छोटी पुल बोली जाती थी, वो छोटी पुल को विकसित किया गया, वो बड़ी हुई, उसके बाद फ्लाईओवर। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय विकासकर्ताओं को जिला प्रशासन से मांग करते हैं पड़रा से लेके और बस स्टैंड तक के रोड के इधर इस पार उस पार रहने वाले लोगों से और बस्तियों में जाके सर्वे करिए, क्या वो चाहते हैं कि फ्लाईओवर होना चाहिए? फ्लाईओवर देके आप क्या करना चाहते हैं? लगातार कहा जाता है कि हम विकास कर रहे हैं, रीवा को महानगर बना रहे हैं। आप महानगर जाके देखिए, बंबई वालों से पूछिए, महानगर बनती है, लोकल ट्रेनों में सुबह उठते हैं, ब्रश करके बैठते हैं और रात को 10-11 बजे घर लौटते हैं, ना अपने बच्चों से मिल पाते हैं, ना किसी से मिल जाते हैं, ऐसा नगर बनाना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, आप महानगर न बनाइए, गांव को विकसित कर दीजिए। नहीं कितने भी महानगर, गांव में मूलभूत जब तक आप सुविधाएं नहीं दोगे, पानी, बिजली, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो कितना भी महानगर बना लीजिए वो महानगर छोटा हो जाएगा। गांव को सजाइए। जो फ्लाईओवर बन रहा है, मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार 2000 करोड़ कर्ज लेके बना रही है, कितना आवश्यकता? अभी मॉडल सड़क बनी, इसको फिर से खोदा जाएगा। अगर फ्लाईओवर की आवश्यकता है तो आपको जैस्तम से लेकर धोबिया टंकी तक आवश्यकता है, सिरमौर चौराहे से आप हॉस्पिटल चौराहे तक आवश्यकता है। अभी 4 लाइन बनी, देख रहे हैं कितना जाम लग रहा है, कितनी स्पीड लोग भाग रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि ठेकेदार और अपना विकास हो रहा है, ना कि जनता के विकास के लिए फ्लाईओवर? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय रीवा के जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं, अरे 175 करोड़ रुपए रीवा में आपने विकास किया, विकास के माला का जाप हुआ, लेकिन 104 गंदी बस्तियां बन गई। 150 करोड़ रुपए पहले उन गंदी बस्तियों में लगा दीजिए, अच्छा बना दीजिए, उसके बाद फ्लाईओवर बना दीजिए। और बहुत ही चिंतक हैं तो एक बेला से और रीवा तक के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू कर दीजिए तो लोग चले जाए निःशुल्क। 30 वर्षों से चुनाटा सरतहरा रोड बन रही थी, बड़े मुश्किल से मॉडल सड़क बनी, 200 करोड़ ये 200 करोड़ पहले जो ठेकेदारों ने काम किया उनका अच्छा विकास हुआ। आपके लिए, जनता के लिए विकास यही हुआ कि लोग मर रहे हैं, नागरिकों की जान जा रही है, घर गिरा दिए गए, पेड़ काट दिए गए, तो किस तरह से विकास आप अपने दृश्य में देखते हैं? लगातार आप भी विरोध करते रहे, बताते रहे लोगों, तो किस तरह से लगता है किसका विकास हो रहा है और क्या साजिश है ये?
हर जगह ये मान लीजिए विकास किसका होता है आप देख ही रहे हैं, सर्विस लेन नहीं बनाया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से लेके ठेकेदार से लेके सबका विकास होता है। सबसे अधिक अगर कोई बर्बाद होता है तो वो किसान होता है। उसे देश के विकास के नाम पर उसकी ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया जाता है, फिर उसके बच्चे ऐसी रोडें बना दी जाती हैं, फिर उनके गाँव के जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जाता, फिर उनके बच्चे काल के मुंह में समा जाते हैं, एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमारे यहाँ के राजनेता श्रद्धांजलि देने चले जाते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। सबसे अधिक इस विकास में मारा जा रहा, तो किसान ऐसा विकास ना कीजिए, ऐसा विकास ना चाहिए लोगों को जीवन के लिए। रोड और कोई भी सुविधाएं लोगों के जीवन के अच्छाई के लिए बनती हैं, ना कि उनकी बुराई के लिए कि उनका जीवन ख़त्म हो जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, अगर जितने में फ्लाईओवर बना है ना, तो उतने में तो आप रोपवे बनवा दीजिए, बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो एक रोपवे बना दीजिए, नहीं तो बेला से रतहरा तक मेट्रो चलवा दीजिए उतने पैसे में। बहुत ज़्यादा आपको महानगर बनवाने की है, तो आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, बेला से लेके रतहरा तक हम आपका स्वागत करेंगे, आइए मेट्रो ट्रेन चलवा दे रीवा में। सुना आपने, ये दर्द चुरहटा से रतहरा के बीच रहने वाले किसानों, समाज सेवियों और जिनके परिवार के लोग आए दिन घटिया निर्माण ने लाभ के लिए बनाए गए इस मार्ग से मुसीबतें झेल रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं और कुछ और जानकार कुछ समाज सेवियों के पास, जिन्होंने विकास के नाम पर भुकासपुर उसके कारनामों की सच्चाई हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे जी से साझा की। रीवा जिले में विकास के नाम पर फ्लाईओवर बनाने का लगातार सिलसिला जारी है। रतहरा, सिरमौर चौराहा, रेलवे स्टेशन मोड़ में फ्लाईओवर बन चुके हैं। इसके बाद अब TRS कॉलेज चौराहे से पड़रा तक फ्लाईओवर बनने जा रहा है। वह फ्लाईओवर मॉडल सड़क के ऊपर बनेगा, जो अभी हाल ही में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, या ये कहें कि पूर्ण रूप से बनी भी नहीं है। इस फ्लाईओवर की कितनी आवश्यकता है शहर में, उसको जानने के लिए हमारे साथ रीवा के वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जिनसे हम जानते हैं किस प्रकार से यह पूरा कारोबार चल रहा है, जनता को कितना लाभ मिलेगा और नेताओं को कितना लाभ मिलेगा। खैर साहब, फ्लाईओवर एक और मिला है सौगात। हाँ, ये सौगात बराबर जारी है और इसी को विकास का ये मानक मान के चल रहे हैं, जबकि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि रीवा महानगर बन गया है, बहुत आगे बढ़ गया है, तो दिल्ली और बम्बई की तुलना कर रहे हैं, जबकि दिल्ली बम्बई के सामने रीवा अभी 1% भी नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्ती का एक खेल है और पैसे खाने का खेल है। और ये रतहरा से रेलवे स्टेशन तक का जो पहले सड़क खुदी, कई कितनी बार बनी, 15-20 साल से लोग देख रहे हैं, बार बार खुद रही है, लेकिन उसके बाद भी जबकि तसालत है, और ये फ्लाई ओवर टुकड़े टुकड़े में बना रहे हैं और बिना कोई योजना के बना रहे हैं। जैसे कि जब बनाया है तो चौराहा क्रॉसिंग के लिए फ्लाई ओवर नहीं होता है, चौराहा क्रॉसिंग के लिए सिग्नल होता है, यहाँ सिग्नल बन के काम नहीं कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं आप। और काले चौराहा की स्थिति वही है, वही वहाँ जो बनने जा रहा है, डेका से लेकर कमीशन बंगले तक, काले चौराहा तक, अभी नया 170 करोड़ की योजना है उसको, तो ये दो फ्लाई ओवर का अनुभव है कि ऊपर से लोग नहीं जा रहे हैं, सारे लोग नीचे से जा रहे हैं। और जो सिरमौर रोड की ओर जो बनने वाला है, इसमें पूरा पहले जाम लगा देंगे, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड बना दिया है, जाम लगेगा, फिर कहेंगे कि यहाँ फ्लाईओवर की जरूरत है, फ्लाईओवर की आवश्यकता है। लेकिन आज जैस्तम से लेके अस्पताल चौराहे के लिए जरूरत है, सिरमौर चौराहे से सुपर स्पेशलिटी के लिए जरूरत है, ना कि गोदाबाग और ना कि TRS काले से कलेक्ट्रेट। नहीं, अभी उसकी जरूरत है भी, तो उसका जब रोड मैप ठीक से बनाएंगे तब जरूरत होगी, नहीं तो नीचे की रोड खत्म हो जाएगी। ये हाईवे है, इसकी रोड खत्म कर दी इन्होंने, PK स्कूल के सामने और इधर सामने दूसरी तरफ सकरा हो गई है, रोड रही नहीं गई है, तो चारों तरफ कहीं रीवा में रोड नहीं है। जहाँ फ्लाईओवर बन गए हैं, ज्योति स्कूल की तरफ बना, वहाँ फ्लाईओवर, वहाँ ख़त्म हो गई रोड, कहीं रोड नहीं बची है। क्या लगता है कि पहले रोजगार तैयार करो, पहले साधन तैयार करो, काम तैयार करो, इसके बाद ठेकेदारी करो, भाई 200 करोड़ कर्जा लेके सरकार फ्लाईओवर बना। भाई ये जो कर्जा, सरकार का कर्जा लेने का मकसद है न कि क्या लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराने का है, ये तो खाने का एक जरिया है। खाने के जरिए में बताइए, हम कहते हैं जब रोड के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया जाएगा तो रोड कहाँ बचेगी, फिर उसी पर ठेले लगवा दोगे, उसी पर आप बथूली के एक जरिया बना लोगे, नगर राजस्व का एक जरिया बनाओगे, अरे तो फिर फ्लाईओवर क्यों बनाए हो, जब जनता के साथ इस तरीके का छलावा ही करना है आपको, इस तरीके की कृत्य ही कारित करना है। तो ये आज 15 साल से ये रोड बन रही है,
अभी 100 करोड़ रुपए का पूरा वो नहीं हो पाया। 200 करोड़ की लागत, 200 करोड़ की लागत का, और दूसरी लागत 175 करोड़ रुपए का कह रहे हैं कि वहाँ का लेज चौराहे से विष्णु विलास होटल तक बनाया जाएगी। इसकी क्या जरूरत है? जनता निकलने के लिए यहाँ दिखती नहीं है सड़क पे, सड़क खाली रहती है, और कहते हैं कि फ्लाईओवर। अरे फ्लाईओवर किस बात के लिए बनाओगे? इसी के लिए कोई व्यापार, किसी व्यवसाय या किसी अच्छे कॉलेज या शिक्षा की बात करिए जिसमें लोगों का हित हो। बिना हित की बात कभी नहीं लोगों को करना। विकास के नाम पर जोड़ा जा रहा है ये एक और सौगात रीवा के लोगों के लिए। किस तरह की सौगात है? ठेकेदार नेताओं के लिए सौगात है कि आम जनता के लिए सौगात है ये? देखिए ऐसा है कि पूरे देश की जनता दिग्भ्रमित है, खासतौर से रीवा में। ये केवल ठेकेदारी चुनाव लड़ने के लिए पैसा बटोरने का साधन है, इसको आम जनमानस नहीं समझ रहा है। 200 करोड़ 300 करोड़ के फ्लाईओवर, इनका कहना है कि फ्लाईओवर पर जाने से दुर्घटना नहीं होगी। आंकड़ा आप निकाल लीजिए कि नेशनल हाईवे बाईपास बना, सबसे ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। ये आंकड़ा निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा दुर्घटना हो रही है। एक तरफ रिंग रोड भी बन रही है चारों तरफ से, बाईपास बना, इसके बाद ही फ्लाईओवर की आवश्यकता। रिंग रोड बना दिए तो ये रीवा एक तालाब हो गया। रिंग रोड बना देने से चारों तरफ से पानी गिर गया, अब पानी ये तालाब बन गया। पिछली बार जब बाढ़ आई थी आप समझ लीजिए तो पूरा रीवा भर गया था, तो उसका कारण है कि पूरा रिंग रोड जो है बन गई है, तो चारों तरफ तो रिंग रोड बन जाएगी, अब ये तालाब बन गया तो लोग डूब के मरेंगे। और इनका विकास विकास कुछ नहीं है, कोई ये जनता दिग्भ्रमित है कि ये एक्सीडेंट के लिए जो है तो एक्सीडेंट हो गया इसलिए कि सुविधा होगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ इनका ये है कि किस तरह से धन को अपने चुनावी चंदा के लिए इकट्ठा, तो कागजी समायोजन करके इस तरह से ठेका का नाम लेकर के स्वयं ये यहाँ के विकास पुरुष जो अपने आप को कहते हैं ये सब ठेकेदारी करते हैं। इनके लिए न कोई ईडी है न कहीं कुछ। 20 वर्षों से सड़क बन रही थी चौराहा से रतहरा, अब रोड चौराहा से रतहरा के बाद फ्लाईओवर का शुरू हो गया। 20 वर्षों की बात न करिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है और खासतौर से ये ठेकेदार जो जनप्रतिनिधि हुआ है तो इसका सिर्फ एक काम है जनता को दिग्भ्रमित करके केवल ठेकेदारी करना, और ठेकेदारी के माध्यम से अपने अपने लोगों को ठेकेदारी करवाता है और बैंक से कर्जा। बैंक में किसका पैसा है? जनता का पैसा है, और जनता के पैसे का दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा और स्वयं अपने हित में लेके चुनावी चंदा इकट्ठा किया जा रहा। बस व्यापार से भी जुड़े हुए हैं आप, व्यापार से भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि फ्लाईओवर से किस तरह का लाभ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है? इसका लाभ कोई लाभ नहीं मिलेगा। पब्लिक और निकलने का साधन ये कर दिए, बोधा से एक रोड बना दिए निकलने का, एक जरूरत नहीं है। अब सरकार बनाना चाहती तो बनाए, फिर से खोद कर बिगाड़ा जाएगा। वाकई आवश्यकता जहाँ तक लगती है कि सिरमौर चौराहे से अस्पताल चौराहे तक बनाया जाए। सर की रोड बन गई है ना तो निकलने का रास्ता हो गया, लोगों को दिक्कत नहीं पड़ रही। व्यापार प्रभावित होते हैं, फिर से शुरू हो जाएगा खुदाई, वो स्वाभाविक होगा उसमें जब रोड पर। किस तरह से लगता है फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, कितना आवश्यकता महसूस हो रही है आपको? फिर से सड़क की खुदाई होगी, फिर से खुदाई शुरू हो जाएगी, क्या लगता है कि बार बनने के बाद फिर से खुदाई हो? बार बार खुदाई करना तो अच्छी बात है नहीं, आवश्यकता नहीं है, कुल मिलाकर आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सबसे पहले रोजगार की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है। क्या लगता है कि जो ये कारोबार चल रहा है राजनीतिक दिखाने के लिए, विकास के दिखाने के नाम पर अपनी तिजोरी भरना है? भाई इनको अपने तिजोरी भरने का काम है, क्योंकि अपने लोगों को उपकृत करने के लिए इस तरीके के कृतकारित कर रहे हैं कि अपने ही लोगों को ठीका दिलवाएंगे। और इनकी जो भी ज़मीनें हैं जहाँ भी इन्होंने रिंग रोड का निर्माण किया है उसको डेवलप करने के लिए इस तरीके की साजिश रची गई है। आप देखिए नेशनल हाईवे निकाल दिए बाहर से, कितने लोगों की हत्या बने एक्सीडेंट होते, कितने लोगों से ये खून से सड़क डेली रंग जाती है, इसका कोई अंदाज़ा है? उससे ज़्यादा तो यहाँ नहीं होता था जितना कि वहाँ से नेशनल रोड निकल जाने से हुआ है। पर लोगों की मानसिकता है, लोग समझ माने गुमराह करने का एक जरिया है, इन लोगों को गुमराह करके इस तरीके से कृतकारित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर सरकार फ्लाईओवर का सौगात दे रही है, लेकिन जानकारों का साफ साफ कहना है कि सिर्फ ठेकेदार अपने लाभ के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए काम उत्पन्न कर रहे हैं, खुद ठेकेदारी करके अपनी तिजोरी भर रहे हैं।
जबकि वास्तविकता जो चीज़ों की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब देखने वाली बात होगी कि इस विकास के नाम पर फ्लाईओवर के बाद आगे किस तरह से साजिश रची जाती है और पैसे के बहाने अपनी तिजोरी भरी जाती है। यार 24 के लिए रामानंद पांडे। तो देखा आपने शहर में बनाए गए फ्लाईओवर स्कैम की कहानी, हमने पहले भी दिखाई थी, अब भी दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे, जो जनता को धोखा देकर अपना विकास करते हुए एक बार फिर विगत 20 सालों से चली आ रही खोदो बनाओ परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी आपकी गाढ़ी कमाई से अपनी ठेकेदारी चमका रहे हैं, अपना कारोबार बढ़ाते हुए तिजोरी भरने की तैयारी कर रहे हैं। इस फ्लाईओवर का कॉलेज चौराहे से लेकर डेकहा तिराहे तक बनना कितना औचित्यपूर्ण है, आप स्वयं देख सकते हैं, आप स्वयं तय कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज चैनल, जो अब जाने माने OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।